हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली जीरा और चिड़िया की बहुत ही प्यारी सी कथा। इस कथा को अवश्य ही कार्तिक के माह में श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से आपस में कभी भी प्यार कम नहीं होता है और आपस में बिछड़ाव नहीं होता है, इसलिए कार्तिक के माह में इस कहानी का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। आइए सुनते हैं चीरा और चिड़िया की बहुत ही अद्भुत प्रेम कहानी। एक बार की बात है, बहुत ही विशाल एक जंगल था। उस जंगल में भांति भांति के जीव और जंतु रहा करते थे। ठीक उसी जंगल में एक चीरा और एक चिड़िया भी रहते थे। एक दूसरे से प्यार तो इतना जिसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो चिड़िया है वह बात बात पर और छोटी से छोटी बात पर भी चीरा से लड़ाई झगड़ा कर लिया करती थी। वह हमेशा ही उससे लड़ती और मन में उस समय बहुत सारे विचार आने लगते थे जो कि नकारात्मक थे। इस तरह से वह चीरा पर शक किया करती थी। दिन इसी प्रकार से व्यतीत होने लगे थे। एक दिन की बात है, पेड़ पर दोनों ही बैठे हुए थे और किसी बात को लेकर के दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई झगड़े तो इतने अधिक बढ़ गए कि चिड़िया ने चीरा से कह दिया कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। चीरा ने भी यह बात साथ ही साथ कह दी कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, हमेशा ही तुम बहाने ढूंढती हो और मुझसे झगड़ा किया करती हो। इस तरह से दोनों एक दूसरे से सिकवे शिकायत करने लगी और लड़ाई बढ़ती चली गई। परिणाम यह हुआ कि चिड़िया और चीरे में सड़क लगती है। चिड़िया ने चीरे से कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे जो सबसे पहले आकर पहुंचेगा, मान लिया जाएगा कि वही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चीरा ने भी इस शर्त में हाँ में हाँ हिलाई और फिर दोनों में यही तय हो गया। शर्त का मान दोनों ने ही रखा। थोड़ी देर बाद चिड़िया अपने घर की ओर चली गई और चीरा रात में वहीं रुक गया। उस रात ठंड बहुत जोरों की पड़ रही थी। सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। तेज ठंडी बर्फदार मानो हवाएं चल रही हैं। चिड़िया ने सोचा, मैं क्यों घर जाऊं? ऐसा करता हूं कि इसी पेड़ पर मैं रुक जाता हूं और जब चिड़िया कल आएगी तो उसे बता दूंगा कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह सोच करके उस बर्फीली रात में भी चीरा पेड़ पे ही रुक जाता है, घर नहीं जाता है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। बर्फीली हवाओं के चलने से चीरा ठंड से अकड़ने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे काम करना मानो बंद होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वह यह साबित करना चाहता था कि वह चिड़िया से बहुत प्यार करता है, इसलिए उस पेड़ से चिड़िया टस से मस नहीं होता है, वहीं बैठा रहता है और चिड़िया के बारे में ही सोचता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, कल जब चिड़िया आएगी तो मैं उसे यह जता दूंगा कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करता हूँ। कल सुबह जब वह मुझे देखेगी तब उसे यह एहसास होगा और वह हार जाएगी। धीरे धीरे रात और बढ़ी और ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगीं। इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी कि वह बर्दाश्त के बाहर था, परंतु फिर भी चीरा उसी पेड़ पर उसी प्रकार से अकर कर बैठा रहता है। धीरे धीरे चीरा उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। तुरंत गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर
वह चिड़िया भी रात भर आराम नहीं करती, सोती नहीं है। रात भर उसके दिमाग में भी सिर्फ एक ही बात है, सुबह जितनी जल्दी हो मैं फट से उड़ान भरूंगी और पेड़ पर सबसे पहले पहुंचूंगी। चीरे को दिखा दूंगी मैं जितना उससे प्यार करती हूँ, उतना तो वह सोच भी नहीं सकता। रात भर यह सोचते सोचते चिड़िया करवटें बदलती रहती है और सुबह जैसे ही पौ फटती है चिड़िया उड़ान भरती है। पेड़ के पास जब वह दौड़ कर आती है तो हर तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाती है। चिड़िया का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। चिड़िया थक हार करके वही पेड़ की एक टहनी पर बैठ जाती है। मन ही मन बड़ी ही खुश होती है और सोचती है, आज मैं जीत गई। जब चिड़िया आएगा तो मैं उसे बतला दूंगी कि प्यार मैं करती हूँ उससे ज़्यादा वह नहीं करता। इस तरह से इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं और सूर्य की पहली सुनहरी किरण भूमि को स्पर्श करती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप अपना असर दिखाने लगती है, उजाला चारों तरफ हो जाता है और गर्माहट भी आती है। चिड़िया अब भी इंतजार कर रही है, ना जाने चिड़िया कब आएगा। देखते देखते जब वह थक जाती है तब वह सोचने पड़ जाती है, आखिर चिड़िया कहाँ चला गया जो अभी तक नहीं आया। जब चिड़िया थक हार करके अपनी नज़रें इधर उधर चिड़िया को खोजती हुई दौड़ाती है, वह देखती है उसी पेड़ के नीचे एक झाड़ी है। झाड़ी के नीचे कोई चीज है जो पड़ी हुई है पर वह नज़र नहीं आती है। तब चिड़िया नीचे उतर आती है और अच्छी सी झांकने लगती है। बर्फ को थोड़ा सा पंखों से हटाती है तो देखती है कि वहाँ पर चिड़िया मरा पड़ा हुआ है। बर्फ से चिड़िया का शरीर जम चुका है। देख करके चिड़िया करुण विलाप करने लगती है, बिलख बिलख कर रोती है और जैसे ही थोड़ा और साफ करती है तो देखती है कि वहाँ चिड़िया मरते मरते वहाँ पर लिख कर जा चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर बैठा रहा और तुम्हारा इंतजार करता रहा। नतीजा भी यह हो गया कि मैं इस जिंदगी को छोड़ चला। मौत अब मेरी आने वाली है, याद रखना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले भी मैं तुझे बहुत प्यार करता था और मरने के बाद भी मैं तुझे उतना ही प्यार करूँगा। जब चिड़िया यह लिखा हुआ पढ़ती है तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में उसे इस बात पर बहुत पछतावा होता है कि ना तो वह यह शर्त ही लगाती और ना ही आज दोनों में बिखराव आता। आज चिड़िया अपनी ही शर्तों पर खूब पछताती है। उसे इस बात का इतना पछतावा है कि दोनों साथ चले गए होते तो कितना अच्छा था। दोस्तों, ये कहानी हमें बतलाती है जीवन साथी के साथ सुख और दुख बांटने की कथा। इसलिए अपने साथी पर कभी भी गलत और बेवजह का इल्ज़ाम ना लगाएं। दोनों ही एक दूसरे की कद्र करें और खूब प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि जब साथी चला जाएगा तब लड़ने वाला आपके साथ कोई नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आज की इस कथा से आपके जीवन में कोई नया बदलाव आएगा और बहुत अच्छा बदलाव आएगा। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।